अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन से लेकर आई हूँ चिकन रोस्ट, जो कि मैं आपको ओवन खोल के अभी दिखाती हूँ कि ये हल्का सा कैसे तैयार हो रहा है। वो देखें, देख रहे हैं, और ये चिकन जो है 1 घंटा 5 मिनट में तैयार होगा, क्योंकि ये बड़ी चिकन की लेग पीस है और इसको मैंने सारी रात मैरिनेशन किया है। इसको दही के साथ मैरिनेट करना है। आपने 4 टेबलस्पून, ये 5 लेग पीस हैं, आपने 4 टेबलस्पून दही लेना है या 1/2 कप आप दही लोगे। मैंने ग्रीक योगर्ट यूज़ किया है, आप नॉर्मल योगर्ट भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर आपने इसमें लहसुन अदरक का 1-1 टीस्पून डालना है, लेमन जूस का 1 टेबलस्पून डालना है, लेमन या लाइम जो भी आपके पास दरकार है, इसका जो भी आपके पास अवेलेबल है, यानी कि दरकार तो लेमन जूस ही है, लेकिन अगर किसी के पास लाइम है तो लाइम भी डाल सकते हैं। तो और उसके बाद फिर आपने लाल मिर्च, हरी मिर्च पिसी हुई, 1 से 2 अदद हरी मिर्च ले लें, उनको ग्राइंड कर लें। फिर उसके बाद लाल मिर्च आपने लेनी है कुटी हुई, काली मिर्च ये आपने 1-1 टीस्पून लेना है, काली मिर्च आपने 1/2 टीस्पून लेनी है, वाइट पेपर जो होती है, सफ़ेद मिर्च जो होती है वो आपने 1/2 टीस्पून लेनी है। फिर आपने इसमें ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर आपने 1/2 टीस्पून लेना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है पार्सली, पार्सली को आपने बिल्कुल चॉप कर देना है, बिल्कुल फाइन चॉप जो होता है ना, कि उसका पत्ता बिल्कुल नज़र ही ना आए, वो वाला आपने करना है। और वो आपने बस इस तरह एक टेबल स्पून के करीब आपने वो लेना है, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें आप डालेंगे समक, डालेंगे थोड़ा सा समक, टर्किश शॉप पे इजीली मिल जाता है। और इसमें आप डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, और फिर आप दही को मिक्स करो और इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च भी जाएगी 1 टीस्पून, और आप उसको अच्छे से मिक्स करो। और फिर मिक्स करने के बाद आप इसे मैरिनेट करो। ऑयल आपका जाएगा जब आपने इसको ग्रिल करना है, जब आपने इसको बेक करना है, ग्रिल करो या बेक करो आपने ऑयल तब डालना है, बटर तब डालना है। उससे पहले अगर आप ऑयल बीच में डाल देंगे तो आपका मैरिनेशन का जो मटेरियल है, जो जिसमें आप मैरिनेट कर रहे हो बेसिकली, वो इसके अंदर जायका नहीं जाएगा, रचेगा नहीं, बोटी के अंदर तक जो एक कहते हैं ना मसाले का जायका जाना, वो ऑयल रोक देता है। ऑयल को आप एक दिन बाद, अगर ये आपने बारबेक्यू करना है तो आप 2 दिन पहले इसको मैरिनेट करें, एक दिन एक रात इसको बगैर ऑयल के मैरिनेट करें, अगले दिन इसमें ऑयल डाल दें, ताकि जब आप ग्रिल, बारबेक्यू, बेक कुछ भी करें तो ऑयल होगा तो लगेगा नहीं ग्रिल को, ठीक है। और ये जो डिश है इसके ऊपर मैंने ग्रिल रखी है और उसके ऊपर मैंने चिकन रखा है, ताकि इसके जो सारे फैट्स हैं वो नीचे आ जाएं, इसके जो हम दोनों तरफ से क्रिस्प बनाना चाहते हैं। तो आप ये देख रहे हैं इसका कुकिंग का प्रोसीजर, और जब ये निकलेगा तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी। और इसको आपने बेक करना है 180 पर, ये देखें 180, ये 160 है, ये 180 है और ये 200 है, इसके दरमियान में 180 में आप रखोगे और फ़ैन पे आप रखोगे, ठीक है। ये फ़ैन है आपका और फ़ैन पे आप रखेंगे, और ये मेरी जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, ये मेरे साथ में सुविनियर्स भी साथ साथ चल रहे होते हैं। मैं शिकागो गई थी अभी कुछ अर्सा पहले, तो मैं वाया फिनियर गई थी, फिनलैंड गई थी, तो मैंने वहाँ से ही लिया, ये वहाँ के बड़े फेमस हस्की हैं। और फिर वापसी जो थी मेरी लंदन, वो फिलाडेल्फिया के थ्रू थी, तो मैंने फिलाडेल्फिया से ये मैग्नेट लिया। और ये जब मैं पेरिस गई थी तो ये तब का है, तो उस हिस्सा सुविनियर्स मेरे और भी बड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, सुविनियर का भी एक डे रखूंगी, एक वीडियो करूंगी कि आपको मैं वो दिखाऊँ कि मैंने कैसे कलेक्ट किए हुए हैं, कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए हैं। तो ये देख लें, ठीक है,
और जब आप अफ़गानी राइस बनाएंगे, अफ़गानी पुलाव जो बनाते हैं, या आप सादा पुलाव भी बनाएं, तो उसके ऊपर आपने ये रखना है सर्व करते वक्त दम में, और फिर आपने जब डिश में डालना है तो तब भी आपने ऊपर सर्व करना है, चावलों के ऊपर ये आप रखेंगे। और अगर आप अलग से सर्व करना चाह रहे हैं तो चिप्स बेक कर लें, चिप्स इसके साथ अच्छा जाता है कॉम्बिनेशन, चिप्स आप इसके साथ बेक कर लें। चलें मुझे दें इजाज़त और मैं दोबारा आऊँगी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।